मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और विराम चिन्ह की। अभी तक हमने आपको पूर्ण विराम से परिचित कराया, अल्प विराम आपको बताया, हमने प्रश्न सूचक चिन्हों की चर्चा की और विस्मय सूचक चिन्ह भी आपको बताया। पूर्ण विराम हम कहाँ प्रयोग कर रहे थे, जहाँ पर हमारा वाक्य खत्म हो रहा था वहाँ हम पूर्ण विराम लगा रहे थे, और जहाँ कई सारे नाम एक साथ हमें लिखने हो रहे थे वहाँ हम क्या लगा रहे थे, कॉमा, यानी कि अल्प विराम। और जहाँ हमें कोई प्रश्न पूछना था और वहाँ क्या प्रयोग कर रहे थे, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे। और अब बात कर रहे हैं हम विस्मय बोधक चिन्ह भी हमने बताया, जहाँ पर हमें कोई अचानक कोई एक्सप्रेशन हमको दर्शाना था। अब हम बात कर रहे हैं योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह कौन से होते हैं, जो भाषा में रुकने के लिए दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो दो शब्दों को एक साथ जोड़ दें, चाहे वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ के लिए ना हो, चाहे वो एक दूसरे के बीच विपरीत के अलावा पुनरावृत्ति को दर्शाते हो, यानी बार बार रिपीटेशन को बताते हो, तो वो सब योजक चिन्ह में आते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख लेते हैं, माता पिता, तो यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा कि माता पिता का कहना मानो, तो माता और पिता के बीच मैंने क्या किया, सिर्फ योजक चिन्ह लगाया और नहीं लगाया। इसके अलावा अगर हम यहाँ लिखते हैं कि दिन रात, बीच में डैश लगा दिया था, तो दिन रात के बीच में हमें किसी और की या कॉमा की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एक योजक चिन्ह के माध्यम से दर्शा दिया कि दिन और रात साथ में लिख दिया। फिर कई बार होता है कि हमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार यहाँ बीच में हमने डैश लगाया और लिखा बार बार, कि बार बार उसे समझाया, तो बार और बार के बीच में हमने सिर्फ एक चिन्ह लगाया, योजक चिन्ह, जिसे हम दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बार बार समझाया, धीरे धीरे चलो, तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के बीच में भी हमने डैश लगाया। तो ये जो डैश है, ये जो डैश हम लगा रहे हैं वो किसके लगा रहे हैं, भाषा में दो शब्दों को जोड़ने के लिए, तो वो योजक चिन्ह कहला रहा है। या फिर हम वो विपरीत शब्द को एक साथ लिखने के लिए भी बीच में डैश लगा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं योजक चिन्ह। कई बार दो मिलते जुलते शब्दों के इस्तेमाल में भी हम योजक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा खास भूसा, खास फूस। अब यहाँ पर कहते हैं कि गाय क्या खाती, गाय घास फूस खाती है, घास खाती है फूस खाती है, यानी घास फूस किस तरीके के लिए बोल रहे हैं, एक जैसे शब्दों के लिए। फिर हम कहते हैं रूखा सूखा भोजन खाया है, तो यहाँ पर दोनों शब्दों रूखा और सूखा के बीच में हमने ये जो डैश लगाया है, यानी कि ये डैश, तो रूखा सूखा भोजन खाया है। तो इस प्रकार योजक चिन्ह के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, दो विपरीत शब्दों को जोड़ रहे हैं, माता पिता दिन रात, तो बीच में योजक चिन्ह लगा रहे हैं। फिर एक ही शब्द को दो बार लिखने के लिए बार बार बोल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, इन दोनों के बीच में भी हमने योजक चिन्ह लगाया। फिर हमने लिखा घास फूस खा रही है, गाय घास फूस खाती है, उसे रूखा सूखा भोजन दिया गया, तो रूखा सूखा के बीच में योजक चिन्ह लगाया, घास फूस के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी इस डैश का प्रयोग। और ये दो एक जैसे शब्दों के लिए भी आता है, एक दूसरे से विलोम शब्दों को भी प्रयोग करते हैं, या मिलते जुलते शब्द के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने अभी पूर्ण विराम सीखा, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाते हैं, अल्प विराम जो कि एक ही वाक्य में बहुत सारे नामों के आने पर लगाते हैं उसमें थोड़ा रुकते हैं, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, और विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं जहाँ पर आश्चर्य, भय, शोक जैसे भावों को हमें दर्शाना हो, तो वो लाइन के साथ डॉट यानी बिंदी लगाते हैं। और अंत में आपने योजक चिन्ह सीख लिया, योजक चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार ये पांच आपके पास आ गए चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह और योजक चिन्ह। इन सारों को लिखिए, इनका अभ्यास कीजिए, समझिए, और आगे के अभ्यास हम आपसे कराएंगे ताकि आपको ये विषय अच्छी प्रकार से समझ में आए। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास करें और हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।